असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम डेट को लेकर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि यह सवाल हर एक उम्मीदवार जानना चाहता है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम जो नोटिस जारी की गई थी 7 जनवरी को लेकर, क्या उसी निर्धारित समय पर एग्ज़ाम कराई जाएगी, या जो मीडिया रिपोर्ट हाउस के अंदर अपडेट निकल कर आ पा रही है क्या वैसा भी हो सकता है दोस्तों, क्या यह एग्ज़ाम कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि सरकार बदलने के बाद उस स्टेट के अंदर उस राज्य के अंदर बहुत से चीज़ों पे यहाँ पर जो है परिवर्तन किए जाते हैं, और उस परिवर्तन के कारण क्या RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में कोई बदलाव करेगा या नहीं करेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के यहाँ पर जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और आप सभी ने दोस्तों यहाँ पर वो नोटिस देख लिया होगा जो 1/12/2023 को जारी किया गया है। पर अभी भी यह सवाल है कि जो 7 जनवरी की जो एग्ज़ाम होनी है क्या वो एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर होगी या नहीं होगी, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। अब दोस्तों स्टेट के अंदर कई चीज़ों के अंदर कई नीतियों के अंदर चेंजेस हो सकती हैं, कई सारी भर्तियां अटकी पड़ी हुई हैं, और कई सारे विज्ञापन जो पिछले सरकार ने वादे किए थे वो भी अभी तक अटके हुए हैं। तो क्या उन सभी का प्रभाव इस भर्ती पर पड़ सकता है या इसके अंदर कुछ नया हो सकता है, तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं वो चीज़ आपको बता दूं, जो उम्मीदवार यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म रीओपन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों वो यहां पर बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है इस वैकेंसी के अंदर रीओपन होने की कोई भी चांसेस नहीं है। जो भी कैंडिडेट रीओपन का इंतज़ार कर रहे हैं वो ना करें, वो अपनी तैयारी करें, और इन रीओपन की जो भी आस लगा के बैठे हैं वो इस पर बिल्कुल ही ध्यान ना दें। दोस्तों क्या परिवर्तन एग्ज़ाम में हो सकता है, तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम में परिवर्तन को लेकर जो मुद्दे हैं, जो लगातार जो न्यूज़ों के अंदर जो ग्रुपों के अंदर आप सभी को देखने को मिल रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार बदलेगी, बदली है तो हो सकता है कि इसके एग्ज़ाम डेट भी बदलें। मंत्री गठन करने में दोस्तों, मंत्रिमंडल का कार्यभार संभालने में दोस्तों, अभी कम से कम आप यह कह सकते हैं कि 10 से 12 तारीख तक, दिसंबर तक यह सारे चीज़ हो जाएंगे। क्या इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो सकती है या इसमें रुकाव हो सकती है, पर दोस्तों अभी तक जो अपडेट है, जो हमारे सूत्रों की माने जो अपडेट है, क्योंकि आप सभी को सोशल मीडिया के हैंडल पर या इन चीज़ों पर कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, सभी उम्मीदवारों के ऐसे जो है अनुभव भी निकल कर आ रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में, वो तो समय कुछ भी हो सकता है, होगा या नहीं होगा दोस्तों वो तो आपको पता चल जाएगा, पर जो अपडेट आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है उम्मीदवारों द्वारा कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूं, जहां तक हमारी जो सोर्सेस हैं और जो अपडेट है जिसमें हमारे तरफ से जो आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें कि जो अपडेट है वो डेट चेंज होने की दोस्तों बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अगर RPSC द्वारा यहां पर जो है डेट चेंज किया जाता है, पर दोस्तों एक ये भी पॉसिबिलिटी आप बन के आ रही है कि हो सकता है कि RPSC के जो चेयरमैन हैं अगर उनमें किसी तरह का कोई बदलाव किया जाता है तो हो सकता है कि इसकी जो एग्ज़ाम कैलेंडर की शेड्यूल जो जारी की गई थी उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों कहा कुछ नहीं जा सकता है, पर दोस्तों आप सभी को अपनी तैयारी 7 जनवरी को मान के ही करनी है, क्योंकि आप सभी के पास 1 महीना से भी कम का दिन बचा हुआ है, और इसमें ही दोस्तों आप सभी को अपनी तैयारी करनी है। जो भी निर्णय है दोस्तों वो आप सभी को हार्डली अगर किसी तरह का कोई भी परिवर्तन करना होगा RPSC को तो वो 20 दिसंबर तक आप सभी को क्लियर कर देगी। पर दोस्तों इसके अंदर कोई भी एग्ज़ाम डेट को लेकर परिवर्तन करने की बातें जो हैं वो अभी तक RPSC के अधिकारियों द्वारा या उनके द्वारा कहीं भी ऐसा उनके सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है ना लिखा गया है, तो आप यह मान के चलिए क्योंकि जो भी परिवर्तन होगा दोस्तों वो 20 दिसंबर से पहले ही हो सकता है, अगर चेयरमैन का बदलाव हुआ तब दोस्तों, वरना ऐसे बहुत ही कम यहाँ पर जो है चांसेस हैं, क्योंकि नई सरकारें हैं, नई पैतरे हैं, और नई जो है तकनीकी यूज़ की जाएंगी और कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपनी तैयारी को 7 जनवरी मानकर करें, और जो भी होगा वो देख लिया जाएगा दोस्तों, और आप सभी को पता भी चल जाएगा, और हमारे टीम के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा।
पर डेट चेंजेस की बातों पर बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और अपनी स्टडी पर दोस्तों फोकस करना है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद।